जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने मैथ मदरा 12 पर। आज हम लोग फिर अगला वीडियो सजदारी से लेकर आए हैं। सजदारी से वीडियो ये वाला लेकर आए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार करता है और ये हमेशा कंफ्यूज करता है कि हम लोग नॉर्मली सजदारी चैप्टर में जो रूल हम लोग पढ़े हैं तो रूल बराबर इसका होता है ना कि अगर हम लोग का लाभ के बारे में बातें करें कि पूंजी में लगाए गए लाभ यानी कि ए तथा बी द्वारा पूंजी लगाकर कोई भी व्यापार को स्टार्ट किया जाता है और उन लोग के द्वारा व्यापार स्टार्ट करने के बाद जो लाभ का बंटवारा होगा तो लाभ बराबर होता है जितना भी पूंजी लगाया वो पूंजी और जितना भी समय के लिए लगाया वो वाला समय। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर एक। तो रूल नंबर एक के बाद दूसरका बात जो भी आता है तो ये वाला बात को आप लोग को अलग से लिखना पड़ेगा कि ये देखिए कि पता चल जाएगा जब ये हम लोग को दूसरका बात जब पूछेगा और दूसरका अगर हम लोग को पूंजी का बात पूछे कि पूंजी हमारा कितना कितना लगाया था वो व्यक्ति तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ आप बट्टा में इस समय। ये हो गया दूसरका बात। तीसरका रूल के कंडीशन क्या कहेगा, जरूरी थोड़े है कि समय और पूंजी लाभ और पूंजी पूछ देगा और समय के बारे में नहीं पूछेगा, कभी काल तो ऐसा भी करेगा तो समय के भी बारे में पूछेगा। तो समय बराबर जब हमको लिखना होगा तो समय बराबर हो जाएगा लाभ अब बट्टा में पूंजी, यानी कि यही तीनों रूल पर पूरा का पूरा हम लोग का जो ये सेशन में क्वेश्चन जो पूछेगा पूरा का पूरा सेशन यही वाला रूल पर रूल आ जाएंगे। अगर पूंजी पूछे तो लाभ बटा में समय, लाभ पूछे तो पूंजी गुने समय, अगर समय पूछे तो लाभ बटा में पूंजी। इसी प्रकार से ये तीनों रूल को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसी रूल के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन हम लोग आज पूछेगा उसी क्वेश्चन को आप लोग हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखा जाए, पहले ये तीनों रूल को देख लीजिए, देखने के बाद आइए पहला नंबर क्वेश्चन जो इस सेशन का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन को देखिएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आइए देखा जाए, इस सेशन का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यापार में तीन साझेदारों के लाभ, एक व्यापार है, एक व्यापार में तीन गो साझेदार हैं यानी कि तीन व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार को शुरू किया है, एक व्यापार में तीन साझेदार के लाभों का अनुपात 5:7:8 है, 5:7:8 है तथा इनके धन क्रमशः 14 महीना, 8 महीना और 7 महीना तक निवेशित रहा तो इनके पूंजी का अनुपात क्या होगा, यानी कि तीन गो तो व्यक्ति है आ तीनों व्यक्ति के हमारे पास लाभ का भी रेशियो दिया है, समय का भी रेशियो दिया है, पूछ का रहा है कि इनका पूंजी का रेशियो क्या होगा, जब ये लोग पूंजी लगाया था तो किस किस रेशियो में पूंजी लगाया था, तो पूंजी बराबर अभी हम लोग पढ़े ना, पूंजी बराबर क्या होता है तो पूंजी बराबर होता है लाभ आ बट्टा में, लाभ बट्टा में समय, पूंजी बराबर लाभ बट्टा में समय होता है। तो इसके हिसाब से जब ए के तरफ चला जाएगा तो ए का लाभ था तो 5 रुपया, लेकिन ए का समय कितना लगा था तो ए अपना समय दिया था 14 महीना, यानी कि 5 रुपया लाभ कमाने के लिए 14 महीना समय दिया था। इसके लिए बी कितना समय दिया था तो बी दिया था लाभ था बी का 7 रुपया और ये समय अपने तरफ से दिया था 8 महीना। सी का समय कितना था तो सी का समय दिया हुआ था 8 और इसका जो व्यापार में पैसा जो लगा रहा 7 महीना के लिए लगा रहा। ठीक है, तो जब हमारे पास इस प्रकार से रेशियो रहता है बटा में, जब रेशियो रहता है तो 1 डिजिट में तोड़ने के लिए क्या किया जाता है तो 1 डिजिट में तोड़ने के लिए नीचे वाला का है और नीचे वाला का लसा लेके बारी बारी समय गुना किया जाता है। जब लसा लेंगे 14 का 8 का और 7 का तो नीचे वाला का लसा हो जाएगा 56 और 56 से गुना करा देंगे 5/14 × 56, अगला 7/8 × 56, फिर तीसरा में हो जाएगा 8/7 × 56 आ यही बारी बारी से गुना कराने के बाद आ जब हम लोग कटाएंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 1 डिजिट में आ जो रेशियो हमारा आएगा वो इसका पूंजी का रेशियो आएगा, क्योंकि प्रश्न में हमारे पास पूंजी नहीं दिया था, प्रश्न में हमारे पास समय और इसका लाभ का रेशियो दिया था। तो ये कटेगा क्या, 14 × 56 7/56, ये 7/56 क्या हो जाएगा, एजा हो जाएगा 20, ई हो जाएगा 7/7 49, ये हो जाएगा 8/8 64,
यानी कि प्रश्न के हिसाब से, ये प्रश्न के हिसाब से आपका इसका आंसर हो जाएगा 20:49:64, 20:49:64 यही आंसर हो जाएगा, और आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन जब करता है तो अजब टाइप का कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग पर्सनली जब भी पढ़े हैं तो इसमें लाभ के बारे में पढ़े हैं, तो लाभ के बारे में पूंजी गुने समय बराबर पढ़े हैं, इसमें पूछ दिया कि पूंजी का रेशियो ज्ञात कीजिए, लाभ का नहीं, पूंजी का ही रेशियो ज्ञात कीजिए, तो पूंजी बराबर सूत्र होता है लाभ बटा में समय। आइए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि तीन साझेदार अलग अलग पूंजियाँ क्रमशः 8, 10, और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार को आरंभ करते हैं, यानी कि तीन साझेदार अलग अलग पूंजियाँ क्रमशः 8, 10, 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार को आरंभ करते हैं, और व्यापार में प्राप्त लाभ इन लोगों का बराबर बराबर है, यानी कि व्यापार में इन लोगों का लाभ कितना हो रहा है यह हमको नहीं पता है, लेकिन व्यापार में जो भी लाभ हो रहा है तीनों का बराबर बराबर हो रहा है। तो अब कह रहे हैं कि बताइए कि जो पूंजी लगाया था ना किस अनुपात में लगाया था, तो पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि ए बी सी तीन व्यक्ति है, आ तीनों व्यक्ति का पूछ रहा है कि पूंजी का रेशियो बताइए, तो पूंजी का रेशियो बताने के लिए क्या करेंगे, लाभ आ बटा में समय। यानी कि ये हम बार बार लिख रहे हैं कि बतवा को आप लोग को रिपीट में याद हो जाएगा, ये रूल को आप लोग को याद करने के लिए अलग से समय ना देना पड़े, इसीलिए क्वेश्चन में बतवा को बार बार लिखा जा रहा है कि पूंजी बराबर होता है लाभ बटा में समय, यानी कि पूंजी कितना लगाया है उसका लाभ और बटा समय से ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रश्न में ए का, अब देखिए जब है लाभ बटा में पूंजी, अब इस प्रश्न में कह रहा है कि लाभ तीनों का बराबर बराबर है, जब लाभ बराबर बराबर होगा और रेशियो में जो चीज़ बराबर बराबर होगा तो कट के आपस में एक एक ना हो जाएगा। फिर से बात को समझा जाए, जब हमारे पास लाभ बराबर कहे, चाहे पूंजी बराबर कहे, चाहे समय बराबर कहे, कोई भी चीज़ को बराबर कहे, हमको जब रेशियो में उसको बताना होगा, बराबर बराबर चीज़ तो कह रहा है लेकिन हमको उसको रेशियो में बताना होगा, तो तीनों का लाभ न इसको भी एक रुपया मिला होगा, इसको भी एक रुपया मिला होगा, इसको भी एक रुपया मिला होगा, क्योंकि रेशियो में बराबर बराबर रहने के कारण सबका वैल्यू आपस में एक एक बराबर रहता है। क्योंकि अगर हम बराबर बराबर में 20, 20, 20 लिख दिए कि इसको भी 20 मिला, इसको भी 20 मिला, इसको भी 20 मिला, तो 20-20 मिला तो कटने के बाद एक एक ना हो जाएगा, क्योंकि पूंजी जो मिलता है, जो हमारे पास पूंजी जो प्राप्त होता है, कभी भी रेशियो में जब प्राप्त होगा आपस में बराबर होगा तो कट के एक एक के बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसको भी लाभ मिला एक, इसको भी लाभ मिला एक, इसको भी लाभ मिला एक, लेकिन महीना जो है हई 8 महीने के लिए लगा रहा है, और हई 10 महीने के लिए लगा रहा है, हई 12 महीने के लिए लगा रहा है, तीनों का पूंजी हो गया क्या, यानी कि अब हमारे पास ये तीनों का पूंजी हो गया क्या, ए का पूंजी हो गया 1/8, बी का पूंजी हो गया 1/10, सी का पूंजी हो गया 1/12। फिर से बात को समझिएगा, सिंपल सा बात है, जब हमारे पास पूंजी का रेशियो पूछ रहा है कि पूंजी का रेशियो होगा कितना, तो पूंजी बराबर होता है लाभ बटा में समय, जहाँ पर तीनों का लाभ बराबर बराबर था, तीनों व्यक्ति जो लाभ कमाया था बराबर बराबर रेशियो में कमाया था, तो बराबर बराबर रेशियो में तो लाभ तो हो गया। अब हमसे पूछ रहा है अच्छा जब भी रेशियो बटा में रहता है, रेशियो बटा में रहता नहीं है लेकिन प्रश्न आपको पूछ सकता है, कभी भी रेशियो 1 डिजिट में होता है, बाटा में होता नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए रेशियो बाटा में दे देता है, तो रेशियो जब भी बाटा में दिया रहेगा ना, उसको रेशियो में चेंज करने के लिए पहले नीचे वाला का लॉस वन डिजिट में चेंज करने, यह रेशियो के ही मान में है, ई वाला भी जितना भी चाहिए दिया हुआ है आंकड़ा, ये भी रेशियो का ही मान में है, लेकिन रेशियो वाले मान जब बाटा में दिया रहेगा तो उसको 1 डिजिट में तोड़ने के लिए नीचे वाला जितना भी हर वाला चीज़ है, ये हर वाला को हम लोग लॉस लेंगे, आ हर वाला का लॉस लेने के बाद बारी बारी सब में गुना करा देंगे, आ तब हमारे पास 1 डिजिट में बदल जाएगा। तो अब देखिए ना, इसका लॉस लेने के बाद हमारे पास कौन ऐसा चीज़ आएगा जो सबको बराबर बराबर कटाया जा सकता है, तो यानी कि 8, 10, 12 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो अगर हमको इसका एलसीएम लेना है तो 8 का 24 240 लिया जा सकता है क्या,
इसका जब लेंगे तो एक बटा दस गुने 240, अगला को लेंगे एक बटा बारह गुने 240। प्रश्न के हिसाब से कि सबका एलसीएम लेंगे तो 240 हो जाएगा। हाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बार में, ये हो जाएगा 24 बार में कटेगा, हाई कटेगा तो 20 बार में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 20। अगर इतना जब हमारे पास आ गया है तो कटा कर छोटा भी किया जा सकता है क्या, तो हाई हो जाएगा 15, हाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दुनी का 30, हाई हो जाएगा 12 दुनी का 24, हाई हो जाएगा 10 दुनी का 20। यही आपका आंसर हो जाएगा 15, 12 और 10। 15, 12, 10 आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों 15, 12, 10 आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कटने के बाद जितना तो कटेगा उतना तो कटाएंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, 12 और 10। ठीक है, आइए अगला नंबर में लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है, ए बी और सी समान लाभ देने का शर्त, समान लाभ देने के शर्त पर एक व्यापार करते हैं, यानी कि तीन व्यक्ति है ए बी और सी समान लाभ देने के शर्त पर एक व्यापार करते हैं, यानी कि प्रश्न पहले ही यह हिंट कर दिया है कि तीनों पैसा कितना भी लगाए, जित कितना भी समय के लिए भी लगाए, लेकिन जब लाभ का बंटवारा होगा ना, बराबर बराबर बंटवारा होगा, इसी शर्त पर तीनों लोगों ने व्यापार शुरू किया था। फिर से बात को समझिएगा, प्रश्न में दिया हुआ है कि एबीसी ने एक व्यापार को इस शर्त पर चलाने के लिए व्यापार करते हैं कि लाभ का बंटवारा बराबर बराबर हो। ठीक है, यदि ए का पूंजी 2 वर्ष तक था, यानी कि ए जो व्यक्ति था इसका पूंजी 2 साल तक था, बी जो व्यक्ति था इसका पूंजी 2.1/2 वर्ष के लिए था, और सी जो व्यक्ति था इसका पूंजी 1.1/2 वर्ष के लिए था, अब कह रहा है कि उसका पूंजी किस अनुपात में निवेश किया गया था, इन लोगों का पूंजी किस अनुपात में निवेश किया गया था, तो प्रश्न में फिर देखिए इसमें भी पूंजी के बारे में पूछ रहा है, तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ और बट्टा में हो जाएगा समय। प्रश्न के हिसाब से प्रश्न पहले ही हिंट कर दिया है कि तीन लोग हैं और तीनों लोग व्यापार चलाने के लिए इस शर्त पर राजी हुए हैं कि तीनों लोग का लाभ का जो बंटवारा होगा ना, तीनों लोग का जब लाभ दिया जाएगा ना, तो ए को जितना मिलेगा उतना बी को भी देना होगा, और बी को जितना मिलेगा उतना सी को भी देना पड़ेगा, यानी कि लाभ का बंटवारा सब लोग का बराबर बराबर करना है, तो बराबर बराबर करना है तो इसको भी 1 रुपया मिलेगा, इसको भी 1 रुपया मिलेगा, इसको भी 1 रुपया मिलेगा, नॉर्मली तीनों का 1 रुपया मिल गया, लेकिन समय तो अलग अलग है, समय तो सबका अलग अलग है, इसका 1 रुपया का तो लाभ मिला लेकिन कितना साल के बाद मिला, कितना साल पूंजी लगाया था, 2 साल तक पूंजी लगाया था, ये कितना साल लगाया था, तो 2.1/2 वर्ष लगाया था, ये अपना पूंजी कितना समय तक लगाया था, 1.1/2 वर्ष तक लगाया था, बोलिए ना। और जब हमको ये पूर्णांक में दे दिया है तो हाई वाला चीज वह 5/2 वर्ष के लिए, हाई वाला चीज वह 3/2 वर्ष के लिए, और जब बट्टा के नीचे रहता है तो हाई तो 1/2 तो दिखेगा लेकिन हाई हो जाएगा 2/5, और हाई वाला चीज वह हो जाएगा 2/3। फिर वही वाला बात, पूंजी का दर रेशियो निकला, पूंजी का दर रेशियो हमको पता चला, लेकिन पूंजी का रेशियो पता चलने के बाद ही क्या पता चल रहा है कि सबका बाटा में रेशियो दिया हुआ है, और बाटा में जब रेशियो दिया रहता है तो इसका 1 डिजिट में टूटने के लिए नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30, 1/2 × 30, 2/5 × 30, अगला हो जाएगा 2/3 × 30, हाई कट जाएगा 15 बार में, हाई कट जाएगा 6 बार में, हाई कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा 15:12:20। अगर कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन को देखा जाए।
बात को थोड़ा समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन को हमेशा तोड़ मोड़ के देता है। कभी पूंजी का रेशियो पूछ देगा, कभी समय का रेशियो पूछ देगा, तो कभी लाभ का रेशियो पूछ देगा। आंकड़ा में आपको कुछ ना दिया रहेगा। आइए ना अगला नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 21,000 रुपया भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाते हैं। यानी कि अलग अलग तो पूंजी लगा रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय के लिए भी लगा रहे हैं। भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। अच्छा, एकरों में लाभ बराबर बराबर ही बांटा जा रहा है, लेकिन समय इसका अलग अलग है। तो कह रहा बताइए कि इसका समय का अनुपात क्या होगा। देखिए अब क्या कह रहा है, ई वाला में पूंजी तो दे दिया है, आप पूंजी देने के बाद अब समय का रेशियो पूछ रहा है कि समय का रेशियो क्या होगा। किस बताइए कि समय किस अनुपात में उनकी पूंजी लगा था। समय का अनुपात क्या होगा, समय किस अनुपात में था जो इसका पूंजी लगाया गया था। आइए देखिए, हमारे पास ए बी और सी तीनों लोग था, और तीनों लोग का पैसा भी है, तीनों लोग का पैसा भी दिया है कि हाई लगा रहा है 15,000 रुपया, ठीक है। एगो लगा रहे 18,000 रुपया, एगो लगा रहा है 21,000 रुपया, एगो लगा रहा है 21,000 रुपया। तीनों का पूंजी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, पूंजी दिया है, लेकिन लाभ आपका कह रहा है कि तीनों का लाभ बराबर बराबर होगा, है एक अनुपात एक में होगा। तो सूत्र क्या कहता है कि हमको समय बराबर बताइए। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है लाभ आप बटा में पूंजी। समय का रेशियो का सूत्र होता है समय बराबर लाभ बटा में पूंजी। यही वाला बात याद रखना होगा, यही वाला रूल को याद रखना होगा, बस उसी प्रकार से बैठा देंगे। लाभ कितना है 1 रुपया, पूंजी कितना है 15,000 रुपया। दूसरा क्या का 1 रुपया लाभ है और पूंजी कितना है 18,000 रुपया है। अगला का रेशियो लाभ है 1 रुपया, पूंजी है 21,000 रुपया, मतलब तीनों का ये कटा देंगे। फिर और कटने वाला होगा तो कटा देंगे, तो हई कटेगा 5×15 बार में, 6×18 बार में, 7×21 बार में। तो हमारे पास जो रेशियो बचा है 1/5 रेशियो, 1/6 रेशियो, 1/7। जब इस प्रकार से बचा हुआ है तब तो कह रहा है बताइए कि अब इस प्रकार से रेशियो में दिया है और रेशियो को हमको 1 डिजिट में तोड़ना है। तो नीचे वाला का लसा लेंगे, तो नीचे वाला का लसा लेंगे तो सब तो अलग अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है, 7 अलग है, तो तीनों को गुना करा देंगे तो हो जाएगा 6×5=30 और 7×70=21, यानी कि 1/5×210, 1/6×210, 1/7×210। तो कटेगा है 5×20, 5×2=10 है, कटेगा 6×18, 6×5=30 है, कटेगा 7×21 हो जाएगा 42, 35, 30। कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो आंसर हो जाएगा। आइएगा अगला नंबर में, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है एक व्यापार में ए बी तथा सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी का अनुपात 3:2:5 के अनुपात में है, 3:2:5 के अनुपात में है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनके पूंजी किस अनुपात में लगाना पड़ेगा। यानी कि पूंजी का पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है अच्छा समान किस अनुपात में समय लगाना होगा जिसमें लाभ समान प्राप्त होता है। इसमें भी हमारे पास 3 लोग हैं, ए है,
बी है, सी है, लेकिन पूछा क्या है, इसमें हमारे पास पूंजी का रेशियो दिया है और इसमें क्या कर दिया है कि समान लाभ प्राप्त करने के लिए, जब भी रेशियो में समान लाभ प्राप्त करने के बातें करेगा तो जो इसका रेशियो होगा एक अनुपात एक अनुपात एक के अनुपात में होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा जब भी बराबर में करने का देता है तो हमेशा एक अनुपात एक के रेशियो में रहता है, लेकिन उसका समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है लाभ, लाभ बटा में पूंजी, तो लाभ इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, लेकिन पूंजी सबका अलग अलग है, इसका पूंजी है तीन, इसका पूंजी है दो, इसका पूंजी है पाँच, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब इस प्रकार से पूंजी लगाया गया है तो अब हमारे पास वन डिजिट में तोड़ना पड़ेगा, तो वन डिजिट में तोड़ने के लिए नीचे नीचे वाला का लस, तो नीचे वाला का लस पाँच दो निकल दस, दस तीन तीस, यानी कि एक बटा तीन गुने तीस, एक बटा दो गुने तीस, एक बटा पाँच गुने तीस, हाइयो कट जाएगा दस बार में, ये भी कटेगा पंद्रह बार में, हाई कटेगा छः बार में, हो जाएगा दस पंद्रह छः, अगर कटने वाला होगा तो कटाते, नहीं कटने वाला तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ही दिया रहता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कबो पूंजी पूछेगा तो कबो समय पूछेगा तो कबो लाभ पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला सेशन में इतना ही तक रहने दिया जाए, फिर अगला सेशन कोई अलग चैप्टर कोई अलग सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आएंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।